डॉक्टर मग डॉक्टर कैसे हो? अच्छे हैं सर। ठीक है सर, बच्चा सब लोग मिल गया। यस सर। तो बताइए किसी जॉब पर पंचिंग करना है तो फायर करने के लिए जाता है। और कहाँ कहाँ हो सकता है आपका दोस्तों के साथ झगड़ा लड़ाई झगड़ा करने को और फिर तो खुश नहीं ऐसा वक्त चलो आज हम पढ़ेंगे सीजन के बारे में जो हम हमर से उसका सिर को पढ़ेंगे। ठीक है करेंगे कैसे जानेंगे
हमारा लेंथ के अनुसार लेंथ कितना है हमको चाहिए 150 से 400 उसके बीच में तो हम बोल देंगे नहीं हमको 150 mm का चाहिए तो वो देगा तो वो बोलेगा 150 किस तरफ का दर्द चाहिए आपको कहाँ कहाँ किस तरफ का मतलब हम कारपेंटर में भी चीजों का यूज करते हैं लोहे में भी करते हैं तो हम बोलेंगे उसका वर्ड वर्ड के हिसाब से कटिंग एज के हिसाब से उसका टाइप से उसका प्रोसेस उसका बॉडी का कैसा बॉडी होता है इसी से बताएंगे तो वो सही तरफ से चीजें आपको दिखाएगा जल तो जनरली बहुत टाइप का है लेकिन हम तो मैकेनिकल है हमारा वर्कशॉप में एक होता है दो टाइप का होता है एक होता है हॉट जल दूसरा होता है कोल्ड जल तो आपको नाम से तो पता चल जाएगा हॉट जल का मतलब क्या कहाँ यूज होगा गर्म कौन गर्म काम करता है वो क्या काम करता है फिटता है करता है तो वो हॉट जेल में ये करता है हॉट जेल इज यूज फॉर कटिंग हॉट मेटल इन ब्लैकस्मिथ फॉर देयर इज ए होल इन ए जेल इन व्हिच ए वुडन मतलब इस हॉट जेल में एक होल होता है जिसमें वुड का एक लकड़ी का एक हैंडल लगता है इसका कटिंग एंगल 30 degree है जो वो लोहा को गर्म करके उसे काटता है तो हमारा तो हम तो पेट्रोल नहीं करते ज़्यादातर हम कहाँ करते हैं कोल्ड जेल हमारा तो हम आज चलिए हमारा टॉपिक है जो कोल्ड जेल आज हम कोल्ड जेल के बारे में पढ़ेंगे कोल्ड जेल क्या है कोल्ड जेल आर जनरली यूज इन शीट मेटल एंड हीटर ट्रेड वर्कशॉप ये कहाँ यूज होता है वर्कशॉप में हमारा हीटर ट्रेड का वर्कशॉप में यूज होता है विद कोल्ड चिजल कोटिंग और चिपिंग और मेटल कैन बी टर्न दिस मेटल इन कोल्ड कंडीशन जो भी कोल्ड कंडीशन में होता है उसे हम उसे उस कंप्रेसर में करते हैं तो लगा पार्टिकल अभी हम उसके पार्ट के बारे में जानेंगे ये पार्ट है हम स्केच भी करके लाए हैं पार्ट ऑफ चीजें ये क्या है हेड क्या है टॉप चीजें का टॉप का टॉप के हिस्से को हम हेड कहते हैं हेड इज ए टॉप पोर्शन ऑफ चीजर इज फॉर हेड इसमें 10 से 15 डिग्री तक चैम्बर किया जाता है उसके बाद बॉडी टॉप पोर्शन एंड बॉटम पोर्शन के बीच में जो होता है उसे बॉडी कहते हैं उसका क्रॉस सेक्शन ऑक्टेगनल और हेक्सागनल कोना भी होता है कभी कभी ज्यादातर ऑक्टेगनल ही होता है जो अष्टभुज है उसका पॉइंट ये है जो कटिंग है पॉइंट भी बोलते हैं कटिंग एज बोलते हैं पॉइंट क्या है पॉइंट जो कटिंग एज है जिनल का कटिंग एज स्टॉप बॉटम पोर्शन देखो डेफिनेशन लिख लो जिसको लिखना है द टॉप पोर्शन ऑफ द चिजल इज कॉल्ड हेड द हेड रिसीव द इंपैक्ट हैमर बिलो इट इज टेम्पर एट एंगल 10 डिग्री इट इज नॉट हार्ड देन एंड टेम्पर इसमें जो यह है इसमें हार्ड देन एंड टेम्पर नहीं किया जाता है कहाँ किया जाता है कटिंग एज पर वो कटने के लिए अच्छा है बॉडी क्या होता है द पार्ट बिटवीन हेड एंड पॉइंट इज कॉल्ड बॉडी
the processing of boarding is optional sir, or sometimes provided with hexagonal cells. Hexagonal ज़्यादा नहीं होता है, होता है बहुत कम octagonal, जैसे हमारा वास्तव में octagonal का है जो अष्टभुजा है. Point, point क्या है? The bottom portion of cell is called point or coating edge. The coating edge is hardened and tapered. इसे hardened and tapered किया जाता है. जो कोटिंग एज है ये हार्डन और टेम्पर किया जाता है. इसके बाद जानेंगे टाइप ऑफ गोल्ड चीजें. जो हमारा वर्षों में ज्यादातर यूज होता है वो टाइप ऑफ गोल्ड चीजें. हमारा गोल्ड चीजें पहला आता है ट्रैक चीजें. देखो फिगर में भी है प्लास्टिकल. ये कहाँ यूज होता है? दे आर यूज टू रिमूव मेटल फॉर लार्ज फ्लैट सरफेस एंड चिप ऑफ एक्सेस मेटल ऑफ वेल्डिंग जॉइंट एंड कास्टिंग. तो ये हम कहाँ कर सकते हैं? जहाँ हम ज्यादा मेटल को रिमूव करना है. वेल्डिंग किया जाता है, वेल्डिंग करने के बाद उधर चिप रह जाता है जो, उसको निकालने के लिए प्लास्टिकल यूज होता है. और कहाँ होता है? हमारा नॉट बोल्ट जो जाम हो जाता है वो नहीं खोल पाता है, उसे हम ये प्लास्टिकल से उसे काट सकते हैं. दूसरा है प्रोस्कोट. प्रोस्कोट और कैप चीजल भी बोलते हैं. प्रोस्कोट चीजल देयर आर यूज फॉर कोटिंग कीवे रूफ एंड फ्लोर. कीवे का मतलब होता है कहाँ होता है? उसका जो पॉइंट क्रॉस होता है इसे क्यूए ग्रुप कटा जाता है. उसके बाद आएंगे हार्ट राउंड नोट्स चीजल. ये नाम से थोड़ा पता चल रहा है कैसा होगा इसका. तो उसका भी कटिंग एज जो है वो हाफ राउंड होता है. इसका कटिंग एज देखो फिगर से पॉइंट क्या है उसका, एक क्रॉस होता है. देयर आर यूज फॉर कटिंग कॉर्क ग्रुप एंड ऑयल ग्रुप. कहाँ कहाँ यूज होता है? ऑयल ग्रुप. और एक यूज होता है, आप लोग देखे हमने बेरिंग लगता है, बेरिंग वो टूट गया है और वो जाम हो गया है, तो उसे जब निकलना होगा तो हम हाफ राउंड चीजल का यूज कर सकते हैं. जो कॉप जो सिलिंड्रिकल कॉप होता है उधर उसी उस प्रकार से ये यूज होता है हाफ राउंड चीजल. डायमंड पॉइंट चीजल ये क्या हो सकता है? क्या डायमंड से बना होगा ये चीजल? नाम तो डायमंड है लेकिन क्यों डायमंड होगा ये? क्या हो सकता है? पॉइंट का जो पॉइंट डायमंड जैसा होता है, ये जो कटिंग है उसका वो पॉइंट डायमंड के जैसा होता है. ये उसे हम कहाँ यूज कर सकते हैं? दे आर यूज फॉर स्क्वायरिंग मेटेरियल ऑफ द कॉर्नर. जो मेटेरियल स्क्वायर टाइप का है वो जो कॉर्नर को उसे जो रिमूव करना है उस टाइम यूज कर सकते हैं. एगल प्लेट कैसा होता है? इसका कॉर्नर में करना है तो वो डायमंड पॉइंट का चिजल का यूज कर सकते हैं. चीजल और उसे पंचिंग चीजल भी बोलते हैं. वो क्या होता है? हम आप लोग तो ड्रिल किए होंगे वर्कशॉप में जाते समय, जहाँ हम हेक्सो ब्लेड नहीं यूज कर पाते हैं उधर ड्रिलिंग
करके उस मेटल को रिमूव करना पड़ता है, तो ड्रिलिंग करने से तो नहीं टूट जाता, तो उधर हम ये चिजल वेब चिजल का यूज करते हैं। पहले ये चैन ड्रिलिंग कर लेंगे, उसके बाद हम वेब चिजल लेके उसको निकालेंगे, काट काट कर इसको निकालेंगे, इसको हम वेब चिजल बोलते हैं। तो हमारा टपता तो टाइप ऑफ कोई चिजल मैं और भी इतना टाइप का है, लेकिन ज़्यादातर ये जब हमने पढ़ा रहा वो हमारे वर्कशॉप में पढ़ते हैं। हमारा रेट जो सीट मेटर उसमें और दो चार चिजल यूज होता है, लेकिन हमारा जो फिटर वर्कशॉप है ये पांच ज़्यादा यूज होता है। तो हम आज क्या क्या पढ़े, आज क्या क्या पढ़े, पहले चिजल क्या है देखे, उसके बाद हम टाई कितना प्रकार की स्पेसिफिकेशन कैसे हम दुकान में जाएंगे तो कैसे वो बोलेंगे तो वो देगा, वो स्पेसिफिकेशन पढ़े। उसके बाद हम पढ़े टाइप ऑफ कोई चिजल किस किस प्रकार का होता है, क्या क्या होता है। तो पहला क्या था, कितना टाइप का चिजल होता है, मनोज कोई चीजल कितने टाइप का होता है, ठीक है। और उसके बाद हम और क्या क्या पढ़े उसके बारे में सब पढ़े, ठीक है। तो हम आपको एक दो क्वेश्चन पूछते हैं। चिजल इज ए डेक्स टूल, हाथ पे भी चिजल इज ए डेक्स टूल, अविनाश मतलब हैंड कोटिंग टूल, इट इज हैंड कोटिंग टूल, which material made, it is made of which material, कौन बोल सकता है, अपर्णा बताइए, आप बताइए। और एक भी आपके लिए कुछ असाइनमेंट है, देखो दो चिजल यूज टू कट की हुए, ये आप घर से करके ये असाइनमेंट है आपके लिए। द क्रॉस सेक्शन ऑफ चिजल इज ऑक्टोगोनल शेप, ये ट्रू है या फॉल्स है, ये सही है या गलत है, ये आपको करके आना पड़ेगा। व्हिच चिजल इज यूज फॉर सेपरेटिंग मेटल मेटल चैन ड्रिलिंग, चैन ड्रिलिंग जो किया जाता है उसको सेपरेट करने के लिए कौन सा चिजल यूज किया जाता है। मैच द वर्ड, ये यहाँ कर लेते हैं अच्छा होगा। फ्लैट चिजल, फ्लैट चिजल इनमें से कहाँ किस ऑपरेशन में किया जाता है, कौन बता सकता है, अच्छा होगा। फ्लैट चिजल कहाँ यूज होता है, ऑप्शन कितना में है, थ्री, हाँ बी। क्रॉस कट कहाँ यूज होता है, क्रॉस कट नहीं जा रहा है कि नहीं, लास्ट मैच को कटिंग नहीं तो बुरा कर देते हैं, तो सर ये बीम कटिंग की है ऊपर ठीक है सर, थैंक यू।
तो प्रोस्कोट प्रोस्कोट तुझे कहाँ यूज करता है? पिंकी में। और कौन बता सकता है? जैसे बता कटिंग की वे। वेरी गुड। आउट राउंड ऑयल ब्रूस। हाँ। डायमंड पॉइंट सेंसर ना। वेरी गुड। तो बाकी जो तीन है ये आप घर से करके लाओ कल। हाँ तो हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। आज तो जेल के बारे में पढ़ लिया है, हम कल उसका कटिंग एंगल और किस धातु में कितने कितने एंगल पे वो कटेंगे वो पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेसन हम कल करेंगे। थैंक यू।